आज हम बनाएंगे राजस्थानी लेसवे का बहुत ही टेस्टी चटपटा मसालेदार अचार। लेसवे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोंदी, निसोरा, गुंदे, लसोड़ा, लबेड़े और लसूरा। लेसवा एक चिपचिपे बीज वाली बेरी होती है। इसका अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जिस तरीके से आज हम ये अचार बनाएंगे, ना तो हम लेसवे को उबालेंगे और ना ही लेसवे को फ्राई करेंगे, लेकिन फिर भी आप इस लेसवे के अचार को बनाते ही तुरंत खा सकते हैं। और इस अचार को हम बिना धूप के ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये अचार लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा ये लेसवे का अचार। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं लेसवे का बहुत ही टेस्टी चटपटा और मसालेदार अचार। अचार बनाने के लिए हमने 1 किलो लेसवे लिए हैं। इनको मैंने 4-5 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया। लेसवे को खरीदते टाइम एक बात का ध्यान जरूर रखना है, एक तो लेसवे ताज़ा होने चाहिए और ये अंदर से ख़राब नहीं होने चाहिए। लेसवे मार्केट में अप्रैल में ही आने शुरू हो जाते हैं और जून तक इनका अचार बना सकते हैं। ये जो लेसवे की डंडी है इसको हटा देंगे और जो ये इसकी कैप है इसको अभी नहीं हटाएंगे। आप इन सारे लेसवे की डंडी तोड़ लेंगे और यदि हाथ से ये डंडी आराम से टूट नहीं रही है तो इनको चाकू से भी काट सकते हैं। लेसवे का अचार काफ़ी लोग उबाल कर बनाते हैं और काफ़ी लोग लेसवे को फ्राई करके अचार बनाते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल नए तरीके से ये लेसवे का अचार बनाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये लेसवे का अचार बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, हमने सारे लेसवे की डंडियाँ निकाल दी, लेकिन इसकी इस कैप को अभी नहीं हटाएंगे, बाद में निकालेंगे। आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आप इनको इसमें अच्छे से मिला देंगे। नमक और हल्दी इनमें अच्छे से मिक्स हो गया। आप लेंगे आटा छालने वाली छलनी। छलनी स्टील या लोहे की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं। आप इसमें ये लेसवे डाल देंगे जो हमने हल्दी और नमक लगा कर रखे हैं। इनको छलनी में अच्छे से फैला देंगे। और कढ़ाई में 2 गिलास पानी हमने पहले से ही गर्म कर लिया। आप इसमें रखेंगे स्टील का स्टैंड। स्टैंड स्टील या लोहे का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं। और यदि आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। आप इस छलनी को स्टैंड के ऊपर रख देंगे जिसमें हमने लेसवे डाल कर रखे हैं। आप इनको ढककर 85% तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे। 9 से 10 मिनट के करीब हो गए इनको पकते हुए। आप इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, लेसवे 85% तक पक गए। इनको अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और यदि आप लेसवे को पानी में उबाल रहे हैं तो फिर आप इनको सिर्फ 50% ही पकाना, क्योंकि यदि पानी में इनको 85% पकाएंगे तो लेसवे फट सकते हैं। यदि लेसवे फट जाएंगे तो इनका अचार बन नहीं पाएगा, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। आप इनको थाली में निकाल लेंगे। आप अब इसका अचार बना सकते हैं, लेकिन इनको भाप में पकाते टाइम इनमें मॉइस्चर काफ़ी आ गया है। तो आप इसका अचार बनाएंगे तो अचार 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए यदि इनको धूप में सुखाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपके घर में धूप नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इनको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। मैं ये अचार बिना धूप के बना रही हूँ तो मैं भी इनको पंखे की हवा में ही सुखाऊंगी। और अब अचार के लिए मसाले तैयार करेंगे। हम इस वाले टेबल स्पून से ही नापकर अचार में सारे मसाले डालेंगे। आप पैन में डालेंगे 3 चम्मच सौंफ। सौंफ इस अचार में ज़रूर डालनी है। और 3 चम्मच ही डालेंगे पीली सरसों। आपके पास यदि अभी घर में पीली सरसों नहीं है तो 2 चम्मच काली सरसों भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच डालेंगे राई। राई इस अचार में ज़रूर डालनी है। राई को बनारसी राई भी बोलते हैं और राई सरसों के जैसी ही होती है, लेकिन राई के दाने सरसों के दानों से थोड़े छोटे होते हैं और राई सरसों के मुकाबले में ज़्यादा खट्टी भी होती है। और 3 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा और 15 से 20 डालेंगे काली मिर्च और 4 से 5 लौंग। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप यदि काली मिर्च और लौंग नहीं डालना चाहते तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। आप इनको भून लेंगे, मसालों को हल्का सा भून लेंगे तो इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी। और यदि आप मसालों को भूनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मसालों को यदि 1/2 घंटे के लिए तेज़ धूप में भी रख देंगे तो भी इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी। आप मसालों को भूने या धूप में रखें,
आपको अचार बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि मसालों में नमी नहीं होनी चाहिए। यदि मसालों में नमी रहेगी तो अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। 1.5 से 2 मिनट में ही मसाले थोड़े भुन गए। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे और आप गैस को बंद कर देंगे और पैन में डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच डालेंगे पीली सरसों, 1 चम्मच ही सौंफ। अब इनको हल्का सा भून लेंगे। हमने गैस को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये पैन काफ़ी गर्म है तो ये मसाला आराम से भुन जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तो सौंफ और पीली सरसों भुनी है तो दोबारा से भूनने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मसाले को हम पीसेंगे नहीं, साबुत ही अचार में डालेंगे। थोड़ी देर में ही ये मसाला भी थोड़ा भुन गया। आप इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको भी ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। और अब अचार के लिए तेल गर्म करेंगे। पैन में डालेंगे 2 कप सरसों का तेल, ये वजन में 300 ग्राम है। सरसों के तेल में ये अचार ज़्यादा टेस्टी बनेगा, लेकिन आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ सरसों का तेल नहीं मिलता तो आप जो तेल घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और अचार में तेल को बिना गर्म किए भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि तेल को गर्म कर लेंगे तो जो सरसों के तेल में हल्की सी स्मेल आती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी और अचार का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तेल अच्छे से गर्म हो गया तो आप गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। ये मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया तो आप इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मसालों को ज़्यादा मोटा नहीं पीसा है, हल्का सा बारीक पीसा है, क्योंकि यदि इस अचार में मसाले को दरदरा पीस कर डालेंगे तो लेसवे के ऊपर मसाला अच्छे से चिपकेगा नहीं। आप इसको साइड में रख देंगे। और जो ये लेसवे हमने पंखे के हवा में सुखाए हैं, इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर अच्छे से ख़त्म हो गया। हमने इनको पंखे के हवा में 5 घंटे के लिए सुखाया है और यदि आप इनको धूप में सुखा रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए इनको धूप में सुखा सकते हैं। और अब लेसवे की इस कैप को हटा देंगे। हम यदि लेसवे की ये कैप भाप में पकाने से पहले ही हटा देते तो लेसवे के अंदर तक ये मॉइस्चर चला जाता। हमने लेसवे को इतना पकाया है कि आप अचार को बनाते ही तुरंत खा सकते हैं। ऐसे ही हम सारे लेसवे की कैप हटा देंगे। ये देखिए, हमने सारे लेसवे की कैप हटा दी। और अब हम कढ़ाई में ही अचार को मिक्स करेंगे। अचार को पकाएंगे नहीं, कढ़ाई में अचार को सिर्फ मिक्स ही करेंगे। आप कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप यदि कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। ये मिर्च तीखी नहीं होती, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे हींग। हींग भी इस अचार में ज़रूर डालनी है। अब ये तेल भी थोड़ा ठंडा हो गया तो इसमें से थोड़ा सा तेल मसाले में डाल देंगे ताकि ये मसाला थोड़ा भुन जाए। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। मसालों में ज़्यादा गर्म तेल भी नहीं डालना है, तेल हल्का सा ही गर्म होना चाहिए। मसाला तेल में अच्छे से मिक्स हो गया। आप इसमें ये लेसवे डाल देंगे जो हमने पंखे के हवा में सुखा कर रखे हैं। इनको मसाले में अच्छे से मिला देंगे ताकि मसाला लेसवे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। आप इसमें ये मसाला डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा है और साथ में ये साबुत मसाला भी डाल देंगे जो हमने अलग से भुना है। मेथी और कलौंजी को अचार में साबुत ही डालना है। यदि इनको पीस कर अचार में डालेंगे तो अचार में कड़वापन हो सकता है। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। हमने इसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच पीली सरसों साबुत ही डाली है। थोड़ा सा मसाला अचार में साबुत डाल देंगे तो अचार दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें ये बचा हुआ सारा तेल डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। इस अचार को जिस भी डब्बे में डालेंगे तो वो डब्बा बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए और जिस चम्मच से डब्बे में से अचार निकालेंगे तो वो चम्मच भी बिल्कुल साफ़ और सूखी होनी चाहिए। तेल भी अचार में अच्छे से मिक्स हो गया। आप इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। आप इसमें थोड़ा सा कच्चा आम भी डाल सकते हैं खट्टेपन के लिए, लेकिन यदि थोड़ा सा सिरका अचार में डाल देंगे तो अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा
और अचार भी लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा क्योंकि सरका प्रिजर्वेटिव होता है। इस अचार में और तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, अचार इस तरह से तेल में डूबा रहेगा तो कभी भी ख़राब नहीं होगा, अचार की 100% गारंटी है। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप कितनी भी सफाई से और अच्छे से अचार डालते हैं लेकिन फिर भी आपका अचार ख़राब हो जाता है, तो आप अचार में आधा चम्मच सोडियम बेंजोइट मसालों के साथ डाल सकते हैं, इससे अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये एक प्रिजर्वेटिव है। अब हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा और मसालेदार लेसवे का अचार तैयार है। आपको ये लेसवे का अचार बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।